प्रदेश में सरकार क्या बदली, बच्चों के हितों पर सिस्टम की लापरवाही ने डाका डाल दिया। यहाँ बात उस ट्रांसपोर्ट वाउचर की हो रही है जिसे पिछली बीजेपी सरकार ने दूर दराज से आने वाले गरीब बच्चों के परिवहन के लिए लागू किया था। Mayra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and MegaMall, Ajmer। प्रदेश के करीब 5 लाख से अधिक बच्चों को सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिलने लगा था। गरीब बच्चे भी इस वाउचर के माध्यम से मिलने वाली राशि से अपने गांव से उस स्कूल का सफर तय करते थे जो उनके गांव से बहुत ज्यादा दूर था। अब जब शिक्षा सत्र समाप्त होने को है तब कहीं जाकर शिक्षा विभाग को इस योजना की सुध आई है। पिछले 1 साल से इन गरीब बच्चों के हकों पर शिक्षा विभाग की लापरवाही दस्त बनकर कहर ढाने लगी है। शिक्षा विभाग द्वारा न जाने क्यों ट्रांसपोर्ट वाउचर की इस योजना को बिसरा दिया गया। न तो शिक्षा मंत्री का ध्यान और न ही जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ही ट्रांसपोर्ट वाउचर को लेकर कोई सक्रियता दिखाई गई। यदि केवल अजमेर जिले की बात की जाए तो वर्ष 2019-20 के सत्र में जिले की 1847 स्कूलों में से मात्र 127 स्कूलों ने ही ट्रांसपोर्ट वाउचर के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर आवेदन किया है। लेकिन सिस्टम की मार कुछ ऐसी है कि इन 127 स्कूलों के बच्चों को भी ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि का भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि जिले की सभी स्कूलों के आवेदन प्राप्त होने के बाद सरकार द्वारा इस राशि का भुगतान संबंधित जिले को नहीं कर दिया जाता। कुछ इसी तरीके के हालात पूरे प्रदेश के बने हुए हैं। शिक्षा विभाग की इस लापरवाही का सबसे बड़ा खामियाजा उन छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है जो पहले तो अपने गांव की स्कूल से दूरी और दूसरी गरीबी की मार से परेशान है। ट्रांसपोर्ट वाउचर की कमी का नतीजा कई इलाकों में ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के रूप में सामने आ रहा है। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और अजमेर उत्तर से बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने इस मुद्दे पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरा है। देवनानी का आरोप है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद शिक्षा पूरी तरफ से पटरी से बेपटरी हो चुकी है। बात केवल अजमेर जिले की जाए तो इस सत्र में कक्षा पहली से 5वीं तक के 2586 और कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक 3218 और 9 से 12वीं तक 221 विद्यार्थियों को इस राशि का भुगतान प्राप्त होता था। लेकिन इस शिक्षा सत्र में इन तमाम बच्चों को सरकार की इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि शिक्षा सत्र की समाप्ति को नज़दीक देखकर शिक्षा विभाग की नींद टूटी है। लेकिन यह भी एक कड़वा सत्य है कि अभी तक भी बच्चों को इस योजना का लाभ उनके खातों में नहीं मिल पाया है। वहीं शिक्षा विभाग का दावा है कि फरवरी माह में अधिकांश स्कूलों में यह राशि पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। अजमेर से MTTV इंडिया के लिए सुशील पाल की स्पेशल रिपोर्ट। बच्चों को इसका लाभ मिलता है। ये जो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है ये राज्य सरकार की शिक्षा में गुणवत्ता और प्रोत्साहन के लिए, शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए कक्षा 1 से 8 तक के सभी बालकों के लिए और 9 से 12 की बालिकाओं के लिए लागू की गई है। इसमें 1 से 5 के जो बालक 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से आते हैं उनको उनके उपस्थित दिवसों के आधार पे 10 रुपये प्रति उपस्थित दिवस के हिसाब से भुगतान किया जाता है। 6 से 8 के बालक बालिकाओं को जो 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पे आते हैं उन बालक बालिकाओं को 15 रुपये प्रति कार्य दिवस के हिसाब से भुगतान किया जाता है। इस सत्र में 6600 9 से 12 में केवल बालिकाओं को जो 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी से आती हैं उन बालिकाओं को दिया जाता है और वे बालिकाएं जिनको साइकिल उपलब्ध नहीं करवाई गई है उन्हीं बालिकाओं को है, अध्ययनरत बालिकाओं को ये भुगतान किया जाता है उपस्थित दिवस के हिसाब से। या वास्तविक किराया अगर उनका कम है 15 रुपये से तो वास्तविक किराया या 15 रुपये प्रति कार्य दिवस। वर्तमान शैक्षणिक सत्र के 7 महीने बीत गए हैं, कितने किस्तों का हमने भुगतान किया और कितने बच्चों को? हाँ, प्रथम किस्त के वर्तमान सत्र के मई से अक्टूबर तक के 6679 बच्चों का भुगतान की प्रथम किस्त हमने रिलीज कर दी है और शीघ्र ही बच्चों के खातों में उनकी उपस्थिति के आधार पे बैंक में जमा करवा दी गई। कब दी गई है सर ये प्रथम किस्त? ये अभी इसमें दी गई है, 9 फरवरी को यहाँ से जारी की गई है, उसके बाद में। और 9 से 12 तक की बालिकाओं को कोई फंड रिलीज किया गया? 9 से 12 की बालिकाओं के लिए प्रोसीजर में है और जैसे ही स्वीकृति आएगी तुरंत हम उन बालिकाओं को लाभान्वित करेंगे। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और उनका ठहराव बढ़ाने के लिए 17-18 से ट्रांसपोर्ट वाउचर की व्यवस्था कक्षा 9 से 12 तक के बालिकाओं के लिए की गई। साथ में चूँकि राजस्थान में बहुत क्षेत्रीय जनसंख्या रहती है तो जिन बच्चों के स्कूल कक्षा 1 से लेकर 5 तक 1 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है या छठी से आठवीं के 2 किलोमीटर की दूरी पर नहीं है, ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए भी ये ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना थी। लेकिन इस सरकार ने 19-20 में आकर के इस योजना पर पलीता लगाने का प्रयास किया है कि फरवरी माह का मध्यान्ह खत्म होने जा रहा है, अभी तक राज्य के कई स्कूलों में इस प्रकार ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि ये राशि साधारणतया बच्चा एडमिशन जुलाई में लेता है, ये सितंबर तक जमा हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक न हो पाना। और चूँकि सत्र में केवल 9वीं से 12वीं वालों के लिए तो 1 महीना ही शेष रहा है, ये राशि न पहुंचाना, इसका न सरकार के कहीं न कहीं मन के अंदर खोट दिखाई देता है। अतः इसको तत्काल यह राशि रिलीज करें और आगामी वर्षों में इस प्रकार की व्यवस्था करें कि कुछ बच्चों का जो रेगुलर एडमिशन ले लेते हैं और इस योजना का लाभ उठाते हैं उनका तो जुलाई अगस्त में राशि उपलब्ध करा दी जाए और शेष का अक्टूबर में राशि स्कूलों तक पहुँच जाए, इस व्यवस्था को सुनिश्चित करें।